केंद्र सरकार ने घरगुती गैस सिलेंडर में 100 रुपए से भाववार की। इसी कारण इस भाववार विरोध में नागपुर जिला राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की ओर से नागपुर जिलाध्यक्ष अर्चना हरडे इनके नेतृत्व में 29 दिसंबर को कुही बस्थानक चौक पर चूल जला के चूल पर भाकर तैयार करके निषेध आंदोलन किया गया। राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रूपाली चांदकर इनकी सूचना अनुसार संपूर्ण महाराष्ट्र में गैस दरबार के विरोध में आंदोलन किया गया। आज अपन इतने IOC वेबसाइट महाराष्ट्र भर ही आंदोलन कर रहे गैस की दरबार होने लगे। डिसेंबर महीना 2 रुपया गैस सिलेंडर के भाव वाटे गेल्या 2 वर्षापासून मोदी सरकार ने सिलेंडर पेट्रोल डिझेल चे भाव वाढवले आहेत। त्याचप्रमाणे या डिसेंबर महिन्यामध्ये सतत 2 वेळा सिलेंडरचे भाव वाढल्यामुळे सामान्य लोकांची परिस्थिती फार बिकट झालेली आहे। कोरोनाच्या काळात लोकांच्या हाताला रोजगार नाही, काम नाही, परिस्थिती फार बिकट आहे, पैशाची कुठे सोय नाही आणि अशा परिस्थितीमध्ये जेव्हा केंद्र सरकारने सिलेंडरचे भाव वाढवले आहे त्यामुळे सामान्य जनतेची लयलूट होऊन राहिली, त्यांना कुठेतरी त्रास होऊन राहिला याची केंद्र सरकारने नोंद घ्यायला पाहिजे। विनंती आहे की त्यांनी सामान्य लोकांची जाण ठेवून, त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीची जाण ठेवून पेट्रोलच्या, डिझेलच्या आणि सिलेंडरच्या किमती कमी केल्या पाहिजे। अर्चना हरडे नागपुर जिलाध्यक्ष इनके नेतृत्व में किए गए आंदोलन में स्थानीय महिलाओं ने सहभाग लेके केंद्र सरकार व मोदी सरकार के विरोध में घोषणा करके सरकार के महंगाई विरोधी धोरण का निषेध किया। इस समय उपस्थित छाया कस्तूरे, संगीता थोटे, सुषमा देशमुख, भावना लांजेवार, इंदु सिलोकर, गीता साठव ने, मंगला ओझा, गीता निम्बरते, पंचफूला ठौकर, संगीता देवतळे, माया शेंडे, प्रतिभा शेंडे, गीता मोदेकर, वालदे छोटी शेख, विनोद हरडे, वसंता पडोळे, रमेश लांजेवार, परमानंद देशमुख, ऋषि सोनसरे, फूल झेले, पंकज चौधरी, अमोल वासनिक, अक्षय बाबरे, अंकित चौसरे और राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। कुही से सुनील हरडे, NBC News नागपुर।